ओम नमो भगवते राम कृष्णा सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय दो तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है अब हम विश्वास के महत्वपूर्ण विषय और मानव शरीर और मन पर इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे आइए अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी सुनेंगे विश्वास नरक को स्वर्ग बना सकता है दो तीन वर्ष पूर्व संवाद पत्रों में एक विचित्र घटना छपी दिल्ली के पास के एक गांव में काम करने वाला एक खेती पीड़ित था कष्ट बढ़ जाने पर उसने नगर में जाकर एक सुप्रसिद्ध अस्पताल के डॉक्टर से भेंट की और उनसे जांच पड़ताल तथा चिकित्सा के लिए अनुरोध किया चिकित्सक ने अपने पैड पर दवा लिख दी जिस पर उनका नाम तथा तो कई उपाधियां छपी थी उन्होंने रोगी को बताया कि वह दवा के चौदह भाग करके प्रतिदिन सुबह शाम उसका सेवन करे। और एक हफ्ते बाद आकर उनसे फिर मिले रोगी ने शब्द वैसा ही किया एक सप्ताह बाद वह चिकित्सक के पास जाकर उन्हें नमस्कार करने के बाद बोला डॉक्टर बाबू आपकी दवा ने अद्भुत कार्य किया अब मैं दमे की पीड़ा से पूर्णतः मुक्त हो गया हूं मेरी समझ में नहीं आता कि अपनी जीवन रक्षा के लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद दू चिकित्सक ने पुनः देखने के लिए उससे उपचार पत्र मांगा प्रिस्क्रिप्शन मांगा पर रोगी का उत्तर सुनकर वह विस्मय से उछल पड़ा रोगी ने उनके दवा के पुर्जे की ही चौदह समान भाग करके प्रतिदिन सुबह शाम उनका भक्षण किया था चिकित्सक ने अपने को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा बहुत अच्छा और रोगी को उसकी स्वस्थता के विश्वास के साथ ही घर लौटा दिया उन्होंने रोगी के विश्वास को बदलने का प्रयास नहीं किया यह किसी की कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है ऐसी घटनाएं दुर्लभ जरूर हैं, परंतु हमें यह सोचना चाहिए कि इनके पीछे कौन सी शक्ति या नियम कार्य करता है क्या यह पूरी तरह तो से विश्वास मात्र नहीं है चिकित्सक ने दवा का पर्चा दिया रोगी ने विश्वास किया इससे निश्चय ही मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी यह विश्वास ही उसके स्वस्थ होने का कारण था इस दृढ़ विश्वास ने ही उसके शरीर में रोग से लड़ने के लिए आवश्यक प्रतिरोध क्षमता रेजिस्टेंस इम्यूनिटी उत्पन्न की अब विश्वास का दूसरा पक्ष देखो कुछ वर्ष पूर्व कुछ मनोवैज्ञानिक एक व्यक्ति को अपनी प्रयोगशाला में लाए उसे हत्या के आरोप में मृत्यु दंड सुनाया गया था वैज्ञानिकों ने न्यायाधीश से उस पर एक प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी वे यह देखना चाहते थे कि विश्वास का मानव मन पर क्या प्रभाव होता है उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मेज पर लिटा दिया उसके पाव भी बांध दिए गए थे ताकि वह भाग न सके उन लोगों ने उसके गले के पास एक नली लगा दी और उससे होकर बहने वाले रक्त को एकत्र करने के लिए उसके दूसरे छोर पर एक बर्तन रख दिया इसके बाद एक वरिष्ठ चिकित्सक ने उस व्यक्ति से कहा हम यह देखना चाहते हैं कि कितना रक्त निकलने पर आदमी मर जाता है कहते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर से साढ़े तीन लीटर खून निकाल लेने से वह मर जाता है हम तुम्हें बिना कोई पीड़ा दिए तुम्हारा रक्त निकालते हुए मर जाने देंगे फांसी पर झूलने की अपेक्षा मरने का यह काफी कम कष्ट कर उपाय है वह व्यक्ति चुपचाप और बिना किसी के मेज पर लेटा रहा। वह व्यक्ति चुपचाप और बिना किसी प्रतिक्रिया के मेज पर लेटा रहा उन लोगों ने उसके गर्दन के पास की एक नस काट दी और बताया कि खून पहले बूंद बूंद निकलने के बाद अब प्रवाह में बहने लगा है उस आदमी का चेहरा पीला पड़ चुका था। नीचे बरतन में खून के गिरने की आवाज बढ़ गई वैज्ञानिकों ने सूचित किया कि वे बर्तन में तीन लीटर खून एकत्र कर चुके हैं उस व्यक्ति की सांस उखड़ने लगी और जब उन्होंने कहा साढ़े तीन लीटर हो गया तो उसकी सांस ही रुक गई सच तो यह था कि नली से होकर बर्तन में केवल साढ़े तीन लीटर पानी ही बहाया गया था उसकी नस को इतने हल्के से काटा गया था कि उससे कोई रक्त बहा ही नहीं था परंतु उसके शरीर से अबाध रूप से खून बह रहा है यह विश्वास उसमें वास्तविक रक्त स्राव के परिणामों की अभिव्यक्ति का कारण सिद्ध हुआ क्या यह एक संयोग मात्र था एक कोइंसिडेंस मात्र था इसकी चर्चा हम कल करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम तत्स श्री राम कृष्णार्पणमस्तु